माता बहना भाई सुनो नारा ने सबने मैं बताऊँ आज एक भैसा आ गई दूसरी कहानी। तो भैसा सिंचन को ओ मतलब को नहीं खाली लुगया ने भैसा में की मिले आदमी सिंचन कोई जरूरी को नहीं भैसा सिंचन सबने जरूरी है। भैसा को पालन और धर्म दान पुण्य सबने करनो जिया जतो लुगया जरूरी है वो तो मोटे रहना भी जरूरी हुए। तो छोटो मोटो आदमी लुगाई टाबर समझनो या पचा सभी भैसा को दान पुण्य करनो और पिंपल सींचनो। आपने सुनी बोले पिंपली वास्ते सींचा की पिंपल की पूजा करना भैसा का मान बहुत ही बड़ो धर्म है। कृष्ण भगवान खुद आपके मुंडू गीता के मायने बताए कि पेड़ा के मायने मैं पिंपल हूँ पक्षियों के मायने मैं मोर हूँ और पशुओं के मायने मैं गऊ हूँ। तो इन वास्ते सबने पिंपल सींचने को बहुत ही धर्म और महत्व है। भैसा में एक राजा हो जो बहुत बड़ो प्रतापी दानी और पुण्य आत्मा हो तो वो राजा राज्य करतो कई वर्षों तक राज्य करियो और धर्म पूर्ण करियो। तो एकर का हो कि बैसाख मास के मायने वो मतलब प्याऊ लगानी कुआ बावड़ी खुदाना तालाब बनानो और गरीब ब्राह्मण या गरीब की सबकी मतलब सेवा करनी लूला लंगना की सेवा करनी और अनपढ़ आजका ने विद्या दान करनो अन्न दान करनो सब कुछ वो जमीन दान करनो सोनू दान करनो चांदी दान करनी मतलब जत्तो दान पुण्य हुए दुनिया में जत्तो वो राजा है जो सब करियो कि मन मतलब नीची सुनी नहीं मिले वास्ते मैं भैसा को पुण्य कमा लियो और जल्दी स्नान कर दो और पिंपल की पूजा कर दो यान का वो सब करियो। पर एक बिग मायने बिग मन में कोई खोट कपट को नहीं पर वो मन में कहीं सोचतो वो सब लोग है जगह जड़ दान करता तो वो मन में कहीं सोचो कि जड़ को कहीं दान करे दान बाई चीज़ करनी की जगह कोई सुलभ नहीं हुए कि भाई ओ मीने कैसे को बात चीज़ खरीद कौन सके वो लिया कौन सके वो मजबूर है बात चीज़ है जैसे कि मीने ने यार आप देनी तो वो राजा है जो बाकी इच्छा पूर्ति कर तो प्रजा की। तो यान को जलदान वो कद्दी करियो को नहीं वहाँ तक आई वो कई जन्म मतलब कई साल थी वो राजा राज्य करियो वो सब काम करते रहियो। तो करता करता कई दिनों के बाद के मायने वो राजा है जो मतलब सर्वगास हो गयो। तो भी जड़दान नहीं करने के वजह हूँ भी कि कई जन्मों थे वो मतलब कुत्ते की जूनी मिली बी के बाद के माँ ने मतलब चेतक की जूनी मिली बी के बाद के माँ ने छिपकली की जूनी मिली। तो छिपकली की जूनी की माँ ने कहा हुई हो कि कहीं सब आगली पिछली ही बातें कि वो सब भूल गयो दान पुण्यारी और छिपकली की जूनी की माँ ने ये कोई राजा हो भी घर के माँ ने वो रे तो बीता के ऊपर गेट के कन्ने रहें तो और चांद रहे तो भी मान जीव जंतु आता वहाँ सबको वो भक्षण कर दो भी बत्ते जड़दान नहीं करण की बज हूँ वह झूनी जज की बिन मिल गई। तो बिन तो कोई वर्तमान याद कौन रही हो भी चिपकली ने मतलब मैं राजा हो भाई कहीं हुई हो। तो एक दिन कहीं हो भी राजा के मेल के मायने कोई ब्राह्मण है तपस्वी आ जगह एक दिन मेल में पधारिया तो राजा है जो उठा संस्कार करियो और संस्कार के बाद के मायने बाका पग है जगह चरण धोया तो भी कहीं हुए एक चरण धोने हूँ भी चरण को छांटो हो चुको भी छिपकली के ऊपर पड़ गयो। छिपकली के ऊपर पड़ता है भी ने पूरे जन्म की सारी बात वर्तांत जुको याद आ गयो और बुतराय माम त्राय माम कर क्यों कि भाई ये ब्राह्मण देवता मार पर कृपा दृष्टि करो और मन बचाओ। तो वो ब्राह्मण है वे संत है जगह उठ पूछो आजोड़ कि भाई तू कौन है और कहीं है और थारी मन सगली बात बता कि तू आतन जूनी क्यों मिली और कहीं कारण मिली तू कौन है। तो वो क्यों कि मन कोई बात याद को नहीं बन आपके चरण को छांटो मारे ऊपर पड़ियो तो इनके वजह मने मैं छिपकली की होनी में हूँ पर मन सब बात याद आएगी मैं राजा हो तो मैं राजा हो जो भैसाख महीने माने गऊ दान करियो भूमि दान करियो अन्न दान करियो गरीबा ने विद्या दान दियो लूला लंगड़ा की सेवा की ब्राह्मणों की सेवा की गरीबा की सेवा करी मतलब सब कुछ करियो राजा हूर में कोई प्रजा में दुर्भाव कौन करियो मारे बच्चा में और प्रजा का माने एक समान समझा फिर भी मन आज जूनी क्यों मिली। तो वो ब्राह्मण है जकार और संत है जगह कहीं करे कि आपकी वे भक्ति का प्रभाव हूँ भगवान की हूँ आँख में सिर बिन कहे कि भाई रुक जा मैं तन थारो वर्तांत बतावा। तो वे वर्तांत में कहीं देखे कि वो राजा है जो तो धर्मपूर्ण करे ना तो कोई आज नहीं करियो और ना करे बट वो कहीं है कि जड़ दान कौन करियो भी मन के मायने वो कि भाई जड़ को कहीं दान करना जड़ तो जगह जगह मीठो पानी है नदी है तालाब है कुआ है बावड़ी है सब भरिया है तो आँख को कहीं दान करना है मैंने कह जो को मती ले ली और पी ली और एक है जो को वो मतलब जड़ दान नहीं करने के बजों भी इन तरह तरह की जूनियाँ मिली और एक है जो को वो कटी संत महात्मा आ जाता तो बाकी सेवा कौन करता।
देख मन के मायने आई कि संत महात्मा तो अमीर लोग है, तो आंख लारे बड़ा बड़ा लोग है जगह घूमे, तो बट म्हारी काई जरूरत है ना, तो वहाँ का दर्शन कर तो और ना वहाँ की सेवा करी। भी दो गलती की वजह भी वो बात बात की योनी है जकी मिली। तो वे सगलो वर्तांत भी इन्हें बतावे, तो वो कहे कि अब भगवान संत महात्मा ने ब्राह्मण ने हाथ जोड़ के कि अब हमारी थाव बीनती है कि ओ मारो और मैं आ जूनी त्यागने के बाद में और पाचो मैं फिर है जो को छिपकली की जूनी पड़ बाड़ हूँ, तो मैं जूनी बहुत ही डरू मारूँ पाप हुए मन बचा लियो। तो वो ब्राह्मण कह रहे कि भाई मैं भैसा को जो को धर्म पूर्ण करियो और जल्दी स्नान करियो, तो मैं एक दिन को पुण्य है जो को तन दियो अगर थारे कोई प्रभाव पड़े तो। तो ब्राह्मण और संत है जो हाथ में पानी ले शकलप करे और एक ही दिन को भैसा को मार है जो को मेतु है जो को भी ने बे दान कर दिए है। तो बी की भैसा के दान की बजाय छिपुल की योनी ताग और राजा है जो को हाथ जोड़ बाने प्रणाम करे ब्राह्मण और संता ने और वे कूड़ धाम को प्राप्त हो जावे। तो इनका कहने को मतलब का ये कि जल दान करनू और सेवा सब की करनू, आ नहीं सोचने अमीर ना आ कहीं चीज देनी, गरीब ना आ कहीं चीज देनी, सब ने करनू। और अगर आजकल कोई लेन इनकार करे तो भगवान के मंदिर में ले जा चढ़ा जो। और एक है जो को ताड़ कुपम को दान करनू, मतलब बैसाख महीने में और शरबत को दान करनू। ताड़ कुपम को मतलब आप सब समझो, सबसे क्या मिले वो ताड़ कुपम को 10-15 रुपया मिले, तो 5, 7, 1, 2, 21, 11 आपकी शक्ति हुए जत्तो शरबत की जत्ती आपकी इच्छा हुए, या कोई आपको नहीं कि भाई मैं सच को ना मारूँ तो मैं आशीष ही सकूँ को नहीं, तो आप कोई 1-2 को पा सको बनार और शिकंजी बनार दे सको या ठंडो जल दान कर सको। तो ये चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है बैसा के मेरे मायने। अगर कोई भूल चूक हुए तो जय श्री कृष्णा, राधे राधे।